हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इस बार 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है डीप वाटर, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में आंसर के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, जो लॉन्ग क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर से वो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के आते हैं, तो 7 नंबर अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश के चैप्टर 3 डीप वाटर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आपने इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को तो बता दिया लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को भी बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें और एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं। आपको कुछ लिखना नहीं है, आप मेरी कही गई बातों को ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट YMCA पूल, यानी कि YMCA पूल पर, YMCA जो ताल सरोवर है इस पर हुई घटना का वर्णन करो। देखिए जो विलियम डगलस जी हैं उनके साथ एक घटना होती है YMCA पूल पर, उसका वर्णन आपको करना है कि आखिर वो कौन सा इंसिडेंट है जो विलियम डगलस जी के द्वारा जी से हुई थी। ठीक है, उनके उनसे हुई थी। तो डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट YMCA पूल, यानी कि YMCA तरल ताल सरोवर जो है इस पर हुई घटना का वर्णन करो। तो देखिए एक घटना है, एक दिन डगलस जी गए और पूल के पास यानी कि तालाब के पास वो बैठ गए, कोई एक लड़का आता है उनको पानी में ढकेल देता है जिससे वो लगभग डूबने को होते हैं। ठीक है, वो लगभग डूब जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो बच जाते हैं, वही इसमें हमें लिखना है, कुछ करना नहीं है। देखिए द इंसिडेंट व्हिच नियरली किल्ड डगलस अकर्ड, यानी कि द इंसिडेंट एक ऐसी घटना व्हिच नियरली जिसने लगभग किल्ड डगलस, डगलस को मार डाला था। तो यह एक ऐसी घटना है जिस घटना ने लगभग डगलस को मार डाला था। ठीक है, क्या हुआ, व्हेन ही वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, जब वो लगभग 10 या 11 साल के थे। तो ये इस क्वेश्चन में उस घटना के बारे में बात किया जा रहा है जिस घटना ने डगलस को लगभग मार डाला जब वह 10 या 11 साल के थे। मार नहीं डाला मतलब लगभग उन्हें लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। देखिए तब क्या किया, टू गेट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि अपने टू गेट रिड छुटकारा पाने के लिए ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर यानी कि पानी के डर से। ठीक है, तो पानी के डर से छुटकारा पाने के लिए ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल, ही डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया टू लर्न स्विमिंग यानी कि तैरना सीखने का एट द YMCA पूल यानी कि YMCA पूल पर। ठीक है, तो जब उन्हें पानी में किसी ने ढकेल दिया तो उन्हें बहुत डर लग गया और अपने इसी डर से, ठीक है, अपने पानी के डर से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने YMCA पूल में तैरना सीखने का फैसला किया कि मैं YMCA पूल ज्वाइन करूंगा और उसमें तैरना सीखूंगा कि मैं तैरूंगा कैसे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए ढकेल भी देता तो मैं तैर कर वापस आ जाऊं, क्योंकि जब उन्हें पानी में ढकेला गया था, जिस बच्चे ने ढकेला था, तब उन्हें तैरना नहीं आता था। ठीक है, आगे देखिए, वन मॉर्निंग, देखिए घटना क्या हुई थी इसको समझिए। वन मॉर्निंग एक सुबह, व्हेन ही वाज अलोन एट द पूल, जब वो पूल पर अकेले थे, ठीक है, जब वो तालाब पर, जब वो पूल पर अकेले थे, वेटिंग फॉर अदर्स, किसी का इंतजार कर रहे थे, ये बिग बुली ऑफ ए बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, ये बिग बुली ऑफ ए बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का आता है, इसका मतलब क्या, एक दबंग लड़का, ठीक है, आता है टॉस हिम, उन्हें फेंक देता है, ठीक है, इनटू द डीप वाटर यानी कि इनटू द डीप गहराई में, एंड ऑफ द पूल यानी कि पूल की। तो देखिए एक दिन जब वो अकेले पूल में बैठे थे, पूल के पास बैठे थे, तो क्या होता है, एक दूसरे किसी की प्रतीक्षा वो कर रहे थे, किसी का इंतजार कर रहे थे, तभी एक दबंग लड़का, एक हट्टा कट्टा लड़का उसे पूल के गहरे पानी में फेंक देता है। ठीक है, वो आता है उसे पूल में ढकेल देता है डगलस जी को, और फिर क्या होता है, देखिए दो ही हैड प्लान्ड ये स्ट्रेटजी टू सेम हिमसेल्फ, हिज प्लान फेल्ड, लेकिन क्या होता है, दो ही हैड प्लान्ड ए स्ट्रेटजी, ठीक है, लेकिन क्या होता है,
उस उन्होंने खुद को हालांकि दो हालांकि ही हैड प्लान्ड, उन्होंने एक रणनीति बनाई ये स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने की, हिज प्लान फेल्ड, लेकिन वह असफल रहा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हालांकि उसने खुद को बचाने के लिए एक रणनीति बनाई लेकिन वो असफल रहे। जब उनको पानी में ढकेल दिया गया तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए कुछ किया, एक प्लान बनाया, लेकिन वो असफल रहा। उन्होंने कौन सा प्लान बनाया, ही बेंट डाउन टू द बॉटम एंड बीकेम पैनिकी। ही बेंट डाउन टू द बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है, जो तालाब है उसका जो निचला स्तर होता है, जो जमीन होता है उसके नीचे। ठीक है, तो क्या हुआ, वह नीचे गया और घबरा गया। ही बेंट डाउन टू द बॉटम, वह तालाब के बॉटम पर गया, तालाब की सतह पर गया, एंड बीकेम पैनिकी, और बहुत ज्यादा वो घबरा गए। देखिए कोई आपको पानी में, मान लीजिए कह रहा हूं मैं, एक एग्जांपल लीजिए, कोई पानी में ढकेल दे, आपको तैरना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे बचने के लिए, आप क्या करेंगे, ऐसे तालाब के जो नीचे जो सतह है उस पर जाएंगे, पैर से टक्कर मारेंगे ताकि आप ऊपर की तरफ उछलें, जब ऊपर की तरफ उछलेंगे तो आपको कोई देख लेगा, बचा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने यही किया, उन्होंने एक प्लान बनाया। ठीक है, अभी आगे और भी है, उसको भी हम देखेंगे, इसको आप लोग देखते रहिए। देखिए आगे क्या है, थ्राइस ही स्ट्रगल हार्ड टू कम टू द सरफस बट फेल्ड ईच टाइम। देखिए उन्होंने थ्राइस, तीन बार ही स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया टू कम टू द सरफेस, यानी कि सतह पर आने के लिए, बट फेल्ड ईच टाइम, लेकिन हर बार वो असफल रहे। तो देखिए तीन बार उन्होंने सतह पर आने के लिए कड़ा संघर्ष किया लेकिन हर बार वो असफल रहे, वो ऊपर नहीं आ सके। लेकिन ही वाज ऑलमोस्ट ड्राउनेड इन द पूल, वो लगभग पूल में डूब चुके थे। देखिए वो तालाब में लगभग डूब गए थे, ड्राउनेड। ठीक है, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस एंड फेल्ट दैट ही वुड डाई। ठीक है, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, यानी कि वो, उन्होंने जो अपनी चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो खो दिया, एंड फेल्ट दैट ही वुड डाई, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब वो मर जाएंगे। ठीक है, दो ही वाज अल्टीमेटली सेव्ड, यद्यपि वो बच गए, वो किसी तरह बच गए। ठीक है, हालांकि वो अंततः बच गए थे, दिस मिस एडवेंचर डेवलप्ड इन हिम ये स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू वाटर, और इसी दुस्साहस ने, इसी घटना ने उनके अंदर पानी के प्रति तीव्र घृणा पैदा कर दी। यही घटना है जिसने उनके प्रति, पानी के प्रति तीव्र घृणा पैदा कर दी, यानी कि डगलस जी अब पानी से डरने लगे थे। ठीक है, तो समझ में आ गया पूरा लाइन। देखिए इसमें कुछ है नहीं, मैं एक बार फिर से वैसे बता देता हूं। देखिए डगलस जी जो है, जब वो 10 से 11 साल के थे तो वो एक तालाब के किनारे बैठे थे, तभी क्या होता है, एक हट्टा कट्टा लड़का आता है, वो किसी का इंतजार कर रहे थे डगलस जी, तो एक हट्टा कट्टा लड़का आता है, उनको पानी में ढकेल देता है। अब पानी में जब उनको ढकेल दिया तो वो, उनको तैरना आता नहीं था, तो वो क्या किए, उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैर को तालाब के जो सतह है उस पर टकराऊंगा और ऊपर चलाऊंगा, ठीक है मैं बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हालांकि वो किसी तरह बच गए और अंततः उन्हें पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगा। ठीक है, तो यही इतना था खाली क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो पानी का डर है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए डगलस ने क्या निर्णय किया, यानी कि पानी के अपने डर को दूर करने के लिए डगलस ने क्या निर्णय किया। आप देखिए, पानी में किसी ने ढकेल दिया था, उनको डर हो गया, पानी से वो डरने लगे थे, वो उसके पास में बैठना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इससे बचने के लिए उन्होंने क्या निर्णय किया। आज तो वो तालाब के किनारे बैठे थे, किसी ने ढकेल दिया, कल वो किसी नदी और के पास टहलने जाएंगे, उसको कोई ढकेल देगा तो क्या करेंगे वो, तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया। देखिए मैं बताता चल रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझते चलिए केवल, ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है। देखिए, द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल, यानी कि पूल में पनपने वाला जो डर है, स्टेयर्ड विथ डगलस फॉर ईयर्स, यानी कि सालों तक डगलस के साथ बना रहा, यानी कि जो पूल में पनपने वाला जो डर था वो डगलस के साथ सालों तक बना रहा। ठीक है, उन्हें सालों तक डर लगता रहा। देखिए, द फियर ऑफ वाटर रियूंड हिज फिशिंग ट्रिप बोटिंग एंड स्विमिंग, तो द फियर ऑफ वाटर, पानी के डर ने रियूंड बर्बाद कर दिया हिज फिशिंग, उनकी मछली पकड़ने के, जो मतलब उन्हें कुछ, अगर मान लीजिए वो सोच रहे थे कि मछली पकड़ेंगे, ट्रिप्स यात्रा करेंगे, बोटिंग बोट पर बैठेंगे एंड स्विमिंग तैरेंगे, तो इन सबके डर ने, पानी के डर ने उनकी मछली पकड़ने, यात्रा, बोटिंग और तैरने का जो सपना था उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, यानी कि पानी के डर ने उनकी मछली पकड़ने की यात्रा, नौका विहार और तैराकी को बर्बाद कर दिया, वो डर रहे थे पानी से। इट फर्मली हेल्ड हिम इन हिज ग्रिप, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसने उसे मजबूती से अपने सिकंजे में जकड़ रखा था, यानी कि जो पानी का डर है वो डगलस जी को
बहुत ही मजबूती के साथ जकड़ रखा था। फाइनली अंततः ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक निर्देशक, एक प्रशिक्षक प्राप्त करने एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग सीखने का। ठीक है, तो अंत में उन्होंने एक प्रशिक्षक प्राप्त करने, यानी कि एक प्रशिक्षक को सेवे स्विमिंग सीखने, यानी कि तैरना सीखने का उन्होंने फैसला किया कि एक प्रशिक्षक मैं रखूंगा जो सिखाता है। प्रशिक्षक का मतलब जो तैरना उन्हें सिखाएगा, वो उसके द्वारा वो तैरना सीखेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। ही प्रैक्टिस्ड 5 days a week and 1 hour each day। ही प्रैक्टिस्ड, वो प्रैक्टिस करते थे, वो अभ्यास करते थे 5 days a week, यानी कि एक हफ्ते में लगभग 5 दिन, एन आवर ईच डे, यानी कि डेली 1 घंटा। तो उन्होंने सप्ताह में 5 दिन प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास किया। उन्होंने फैसला लिया कि मैं हफ्ते में 5 दिन और प्रत्येक और हर दिन 1 घंटा अभ्यास करूंगा, तैरना मैं सीखूंगा। देखिए, एक ही बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग है तो थोड़ा बड़ा तो रहेगा ही, क्योंकि लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, थोड़ा लॉन्ग रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, उन्होंने निर्णय तो ले लिया कि हाँ मैं तैरना सीखूंगा, लेकिन अब तैरने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, वो सब यहां पर बताया जा रहा है। देखिए क्या है, द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम। द इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षक था, पुट ए बेल्ट, उन्होंने एक बेल्ट लगा दी अराउंड हिम, उनके चारों ओर। तो प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी, क्योंकि सीखना है तो बेल्ट लगाकर अभी सिखाएंगे कैसे। देखिए, ए रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट। ए रोप, एक रस्सी, वाज अटैच्ड यानी कि बंधी हुई थी टू द बेल्ट, बेल्ट से। तो वहां पर एक रस्सी भी उनके बेल्ट से बंधी हुई थी। देखिए, उनके जो उनके जो है बेल्ट लगा दी गई, ठीक है, और जो बेल्ट है, एक रस्सी जो है उस बेल्ट से बंधी हुई थी, ताकि मान लीजिए डूबने लगे तो उसको खींचा जा सके। ठीक है, द रोप बेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। तो द रोप, जो रस्सी थी, ठीक है, थ्रो ए पुली, वो एक चरखी से, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ठीक है, जो एक ओवरहेड केबल पर चलती थी। तो रस्सी जो थी वो एक चरखी के माध्यम से चली गई, ठीक है, यानी कि रस्सी जो है वो एक चरखी के माध्यम से रहती थी जो एक ओवरहेड केबल पर चलती थी, यानी कि रस्सी जो है उसमें चरखी लगी हुई थी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हुआ गया है इसने खींचने में। ठीक है, आगे देखिए क्या है, एंड बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। ठीक है, और जो डगलस ने रस्सी के एक छोर को पकड़ा, देखिए यहां पर क्या, डगलस हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप। डगलस ने हेल्ड पकड़ा ऑन एंड ऑफ द रोप, यानी कि रस्सी के एक छोर को। तो डगलस ने रस्सी के एक छोर को पकड़ा एंड और बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। ठीक है, और जब उन्होंने छोर को पकड़ा और पूल के पार आगे पीछे चला गया, यानी कि देखिए जो रस्सी है उसको डगलस को पकड़ना होगा, ठीक है, और उसके चारों ओर, यानी कि जो रस्सी है उसके चारों ओर, पूल के चारों ओर आर पार उसे आगे पीछे चलना होगा। ठीक है, आफ्टर 3 months टेंशन बिगैन टू स्लैक। ठीक है, लगभग 3 महीने लग गए उसको, यानी कि 3 महीने के बाद उसका तनाव कम होने लगा। आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद टेंशन, तनाव बिगन टू स्लैक, कम होने लगा। तो जब 3 महीने बीत गए, 3 महीने सीखते सीखते हो गए डगलस को, तो उनका तनाव जो है, उनका जो टेंशन है वो कम होने लगा। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। ठीक है, तो द इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षक था, वाज एबल टू बिल्ड, यानी कि वो बनाने में सक्षम था ए स्विमर, एक तैराक, आउट ऑफ डगलस, यानी कि डगलस से। तो प्रशिक्षक डगलस से एक तैराक बनाने में सक्षम था, यानी कि डगलस को, प्रशिक्षक जो था वो डगलस को एक तैराक बनाने में सफल हुआ, यानी कि उसने डगलस जी को तैरना सिखा दिया। अब जो डगलस है वो एक तैराक था, अगर मान लीजिए कोई इसको पूल में ढकेल भी देता है तो भी वो तैर सकता है। ठीक है, डगलस वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर, लेकिन क्या है, डर तो डर है भैया, डगलस अभी भी श्योर नहीं था, वो अभी भी संतुष्ट नहीं था, अभी भी वो आश्वस्त नहीं था। सम साइंस ऑफ ओल्ड फियर वुड रिटर्न व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। सम साइंस, कुछ ऐसे लक्षण, ठीक है, ऑफ ओल्ड फियर, पुराने डर के, वुड रिटर्न, वापस आ जाते थे, व्हेन, जब ही वाज अलोन इन द पूल, जब वो पूल में अकेले होता था। तो जब वो पूल में अकेला होता था तो पुराने डर के कुछ लक्षण लौट आते थे कि कोई आएगा मुझे ढकेल देगा, ठीक है, ऐसा वगैरह वगैरह। आगे देखिए, वन डे ही बेंट टू लैक वेनवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट्रिक्स आइसलैंड। तो देखिए क्या हुआ, डर जब धीरे धीरे खत्म होने लगा तो उसने कुछ बड़ा करने का कोशिश किया। वन डे, एक दिन, ही बेंट टू लैक,
वह एक झील के पास गया जिसका नाम है बेंटवर्थ, वो बेंटवर्थ झील के पास गए, ठीक है, एंड डाइव्ड ऑफ ये डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, ठीक है, और ट्रिक्स द्वीप पर एक गोदी से गोता लगाया। तो देखिए क्या हुआ, जब धीरे धीरे डर खत्म होने लगा तो वो एक झील के पास गए और ट्रिक्स आइसलैंड, ठीक है, एक ट्रिक्स आइसलैंड है, ट्रिक्स द्वीप है, उस पर उन्होंने गोता लगाया, उसमें वो छलांग लगाई, ठीक है। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, फिर क्या हुआ, वह झील के उस पार 2 mile तैरा, यानी कि लगभग वो 2 mile तैरे, वो तैरना सीख गए थे, वो एक तैराक बन चुके थे, तो वो 2 mile तैरे, ठीक है, अब उन्हें कोई भी डर नहीं था। फाइनली ही वाज एबल टू कंक्योर हिज फियर ऑफ वाटर, अंततः ही वाज एबल, वो सक्षम थे टू कंक्योर, विजय पाने के लिए, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर पर, ठीक है। तो अंत में वह अपने पानी के डर पर विजय पाने में सक्षम हो गया। अब उसे पानी से डर नहीं था क्योंकि उसने तैरना सीख लिया था, ठीक है। तो ये थे आपके 2 long questions इस चैप्टर से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 3 डीप वाटर के 2 most important long questions बताए। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।